बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में सही मौजें बनी हुई हैं कि रात को सोते हैं आराम से और सुबह उठ के देखते हैं तो बारिश हुई होती है। 10 रोज़े गुजर गए हैं और अभी तक ना बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा रमज़ान का कि रमज़ान वाकई साग हुआ हुआ भी है या नहीं। कि इस तरह से ना बड़ा पुरसकून दिन गुजर जाता है, रूटीन से पता ही नहीं चलता। तो है आज संडे है, सुबह सुबह उठाऊँ तो बाइक पर कोई पानी शानी बारिश का पड़ा हुआ था, वो साफ शाफ किया, साफ करके मैं निकला हूँ तो ये पड़ोसियों का बच्चा सामने खड़ा हुआ था। तो फिर मैंने बाइक स्टार्ट किया और मैं निकला हूँ आदिल की तरफ। कि मतलब पहले हमारी ना अच्छा रूटीन इस तरह से होती थी कि हम ऑलमोस्ट मतलब डेली तकरीबन मिलते थे, सिटिंग होती थी। अब तो जब से लाइक ये जॉब स्टार्ट हुई है ना दोबारा से, तो वीकेंड टू वीकेंड ही हो गया कि संडे कोई मुलाकात होती है। तो मैं बीच बीच में रास्ता चेंज करता रहता हूँ ताकि ना आपको नई नई जगह दिखा सकूँ। ये हमारा माल ऑफ बलवाल है। जब मैं फारिग होता था ना तो पता ही नहीं चलता था कि आज संडे है या नहीं। अब आके ना संडे की वो दोबारा से इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझ में आ रही है। और मैं इस रोड पर जा रहा था ना तो मैं सोच रहा था कि यार ये रोड पर कितनी इंपॉर्टेंट, किस एक रोड पर ना मतलब पुल से लेके तो पुराने बलवाल था कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कि इस अकेले रोड पर ना MCB बैंक, अलाइड बैंक, अल्फला बैंक की ब्रांचेज हैं, उसके अलावा 2 पेट्रोल पम्प हैं, इस पर एक फ्लोर मिल रहा है, इसी रोड पर आगे जाके एक दूध वाली डेयरी भी है, इस पर 3-4 बेकरीज हैं। मतलब ये रोड कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारा कलोनी अड्डे वाला बाजार है, बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हुआ है। ये मिसाली रावन स्कूल है जो कि बहुत ही अहम, बहुत ही स्पेशल जगह है। ये रोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ना इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ना गर्मियों में यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, कि रेत का एक तूफान उड़ता है और वो आपके मुँह पर सीधा आके पड़ रहा होता है, बल्कि मुँह के अंदर भी जा रहा होता है। कि आस पास से कोई भी गाड़ी जाती है तो एक तूफान बदतमीज़ी बरपा हो जाता है। पहुँच तो मैं गया हूँ लेकिन अब मुझे ना तकरीबन 500 घंटे वेट करना पड़ेगा मिस्टर आदिल का। और ये मेरी इतनी गंदी आदत है, मैं टांग हिलाता रहता हूँ, मेरे पास जो भी बैठा वो कहता है कि जलजिला आ गया। अच्छा लाया, मैं से कह रहा था कि तुम इरिटेट होगे, मुझे पता था, और वो इरिटेट हुआ भी, लेकिन वो ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई एंड ही वाज लाफिंग आउट लाउड एट दिस। तो फिर मैंने ऐसी बस वीडियो बना ली और फिर हम चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अच्छा ये इलाका जो है ना, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये रोड और ये सारा रास्ता, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि मैं ना बार बार इस इलाके को रिकॉर्ड करूँ। इस सड़क पर ना देख के इसको इतने सिनेमैटिक से शॉट आ रहे होते हैं ना मेरे माइंड में, लेकिन पता नहीं मैं वो क्यों नहीं बनाता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बना नहीं सकता, लाइक मैं बना भी लेता हूँ, सब कुछ हो जाता है मतलब, लेकिन सिर्फ ना शायद वो टाइम टेकिंग होता है या क्या, या मैं शायद बहुत ज़्यादा लेजी हूँ इस वजह से। और फिर ये इलाका है भी बड़ा खूबसूरत कि लाइक हर तरफ आस पास सब्जा ही सब्जा है, और इसको ऐसे देख देख के ना मुझे क्रेविंग्स हो रही होती हैं कि यार मैं यहाँ से ऐसे रिकॉर्ड कर सकता था, यहाँ से मैं ऐसे कर सकता था। और ये आ गया है जी सुल्तानपुर। लास्ट टाइम मैंने इसकी शायद कोई हल्की सी वीडियो बनाई थी तो किसी ने कॉमेंट किया था कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाइएगा, तो मैंने आज इसकी ज़्यादा वीडियो बना ली। आप इसको आराम से देख सकते हैं तसल्ली से, बेशक इसको रिपीट मोड पर लगा के देख लें। यहाँ पर रोड साइड पर ना इतना कमाल का सरसों का खेत था एंड थ्रू आउट द विंटर्स व्हेन वी केम हियर, मेरा दिल करता था मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, लेकिन अब वहाँ पर गंदम लग के पक चुकी है लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये आ गया है दरख्तों वाला शॉट जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट इलाका है यहाँ पे, मतलब ये बड़ी कमाल का व्यू देते हैं। और फिर हम फाइनली पहुँच गए एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम हम लोग फिर वहाँ से वापस निकले हैं, और वहाँ से ना हमने वापसी पे रोड साइड से अमरूद लिए हैं, बिकॉज वाई नॉट। और ऐसे सफ़र में आपको पता ही है कि ये जो रोड साइड चीज़ें होती हैं ये कितना ज़्यादा बंदे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो भी स्पेशली जब गर्मियाँ होती हैं। एंड प्लीज़ डोंट आस्क कि रमज़ान में ये सारी रूटीन क्यों है। और पकी गंदम देखते दिखाते तो हमने आज रूट चेंज किया, पुराने बलवाल से होते हुए हम लोग पहुँचे हैं मेन बाज़ार, वहाँ से लेने थे असल में कुछ फ्रूट्स वगैरह। और आपको तो पता ही है कि हमारे मुसलमान भाई जो है वो रमज़ान में फ्रूट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर कर देते हैं, और फ्रूट्स पर लाइक डोंट टच मी। बाकी है कि जो लेना था फिर हमने वो फ्रूट वगैरह जो सारी चीज़ें लेनी थी वो ले ली, और वो लेके तो फिर हम लोग वापस गए। मैं आदिल को घर, मैंने उसको उतारना था, उसको घर उतार के तो फिर मैं वापस आया हूँ। मैं घर वापस आया ना तो तुर्की का ड्रामा लगा हुआ था, मेरी नानी अम्मा वो देख रही थी और वो मुझे ना बाद में एक्सप्लेन कर रही थी, कोई स्टैचू वाला सीन था, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बुत रखे हुई है गड्डी से, उकड़ी मगर लग गए हैं तो बुत दी बाई बज गई। और खैर जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे हैं तो ईद की तैयारियां भी अब स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा हमने लेना था एक सूट तो हम लोग गए हैं शॉप पे, और कोई 500 घंटे इस दुकान में फिरने फूरने के बाद ना बमुश्किल एक सूट पसंद आया था, और एक सूट पसंद आने के बाद ऐसे पसंद आना शुरू हुआ कि एक के साथ फिर हमने 2 सूट एक्स्ट्रा ले लिए जो लेने ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन सही बात है, इनके वाली बात को नहीं है, वो सही कहते हैं, ऊँचियाँ दुकाना दे फिक्के पकवान उन दिन, बस टोटल शोश आई है, बाकी भी इसमें इतनी को बात खैर है कोई नहीं। और वैसे मैंने हिसाब लगाया कि लेडीज़ की जो शॉपिंग होती है वो जेंट्स की शॉपिंग की नस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कि हमारा तो सिंपल सा होता है, एक दुकान में जानी होती है, एक शर्ट पसंद करनी होती है, उसका साइज़ देखना होता है, वो लेके आ जानी होती है, लेकिन ये तो एक ही सूट के 500 कलर और पता नहीं क्या कुछ देखने के बाद। लेकिन फाइनली हम वहाँ से निकले हैं और सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, तो ये हमारे सब्ज़ी मंडी के हालात चल रहे हैं आजकल, इन्होंने भी फ्रूट वालों से सही मुकाबला लगाया हुआ है। और आज हैरत अंगेज़ तौर पर संडे था लेकिन फिर भी ना रश बहुत कम था, मतलब पहले बहुत ज़्यादा रश होता है, रूटीन में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो वहाँ से फिर हमने लेनी थी कुछ एक दो बर्तन लेने थे आज संडे, और बड़ी घरेलू सी शॉपिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से सामान वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग गए हैं नर्सरी पे, वहाँ से लेना था हमने एक पौधा, और ज़िंदगी में शायद दूसरी दफ़ा, हाँ आज मतलब इन 22-23 सालों में इस नर्सरी पे मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, एक दफ़ा पहले स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए मैंने लेना था तो मैं यहाँ से प्लांट लेके गया था, और आज शायद मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ
बट मज़े की जगह है। और यहाँ से फाइनली जो प्लांट वगैरह लेना था वो लेके तो फिर मैं चला गया हूँ आई ट्यूशन। यू माइट बी थिंकिंग कि संडे है तो फिर मैं ट्यूशन क्यों गया हूँ, क्योंकि असल में ना मेरी बच्ची के कल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए दुआ कीजिएगा। मैट्रिक के पेपर स्टार्ट हो गए हैं उसके, अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। तो उसके लिए उसका एक टेस्ट वगैरह लेना था, मैंने तसल्ली करनी थी। घर गया हूँ मैं, वसीम को बुलाया तो वो आया, और आज वो कह रहा था कि आज हमने फेक एंट्री नहीं की और वो जो हमने सही वाली की थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फिर नमाज ऐसे पढ़नी थी तो हम लोग स्टेशन पे गए हैं, वहाँ पे मस्जिद में गए हैं। ये स्टेशन वाली मस्जिद है यार, इतनी इसमें से वाइब्स आ रही थी ना मुझे, ये स्पेशली टाइलिंग देख के प्योर वो 90 वाली वाइब्स आई हैं। मतलब 90s में ऐसी मस्जिद होती थी ये, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी पुरानी बनी है, अब तो मॉडर्न मार्बल वगैरह टाइल्स वगैरह लग जाती हैं, लेकिन ये सही वो एग्जैक्ट 90 वाली वाइब्स दे रही थी मस्जिद। तो ये फिर मैंने रिकॉर्ड कर ली है, यहाँ से बाहर का व्यू पूरा कमाल कर रहा था तो फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि मैं तो पहले ही नमाज़ पढ़ के आया हुआ था और मैं बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था, वसीम ने नमाज़ पढ़नी थी तो वो वज़ू शुज़ू करके तो नमाज़ पढ़ रहा था, उसने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के तो निकले हैं बाहर। बाहर का व्यू और मौसम बड़े कमाल का, बड़ी फिट था मस्जिद के, ये इन्होंने लगाए हुए आस पास फूल छूल लगाए हुए हैं तो ये बड़ा कमाल का व्यू दे रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं, वहाँ से निकल के हम लोग खड़े हुए, वसीम कॉल सुन रहा था और मैं रेडी के साथ पंगे ले रहा था। और मज़े की बात है कि सारा दिन हम एक दूसरे को कॉल करते रहे हैं कि आ जाओ, अभी आ जाओ, तुम आ जाओ, मैं आ जाता हूँ। और हम लोग जब आए हैं तो अफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था, तो हमने कहा कि चलो जल्दी जल्दी वीडियो शीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना के तो फिर बस गाड़ी चलते हैं। और हम कोशिश कर रहे थे असल में ना कि आसमान जो है वो ब्लू कलर का आए उसके फ़िल्टर में, स्नैपचैट के फ़िल्टर में ना, लेकिन वो वसीम से आ नहीं था। तो वो फाइनली मैंने वो पता नहीं कैसे किया, मुझे खुद नहीं समझ आई, और वो उस पर ना रिकॉर्ड होने लग गया। तो वो फिर हमने रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया, बड़ी हमें खुशी हुई है कि हमने फतह कर लिया मैदान। और फिर हम लोग बैठे हैं वहाँ पर दो चार बातें शतें की हैं, और बातें करने के बाद फिर हम लोग निकले हैं वहाँ से। और बातें भी क्या करनी होती हैं, वो मुझे अपने स्कूल के दुखड़े सुना रहा होता है, मैं उसे अपनी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। और क्योंकि अब हमें नीले आसमान वाली वीडियो बनाने की समझ आ गई थी, तो मैं वसीम को कह रहा था कि वसीम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने इसी में से थंबनेल निकालना है, मैं बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ना थंबनेल निकाल लूँगा, तो इसी को ऐसे ही लेके चलो। और मैं पहले सोच रहा था कि मैं इसको यहाँ पर एंड कर दूँ, बट फिर मैंने कहा कि एक और सेगमेंट आपको दिखा देता हूँ, हमारी मस्जिद की अफ्तारी, यहाँ हम लोग सब मिल के तो अफ्तारी करते हैं, और उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन रात को यार मौसम इतना ही कमाल का बन गया ना कि मतलब रात को आज फिर बारिश आ गई है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि रोज़ मौसम ठीक रहता है सारा दिन को, और रात को जो है वो अचानक से बारिश आ जाती है, तो आज भी ऐसे ही हुआ है और बड़े फिट मौसम बन गया है। रोज़े बड़े सुकून से गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।